नमस्कार दोस्तों, एक बुद्धिमान और शांत इंसान कभी भी युद्ध नहीं चाहता, क्योंकि युद्ध से विध्वंस और बर्बादी के सिवाय कुछ भी हासिल नहीं होता। पर पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी ईश्वालु और सिरफिरे देश की समझ में यह बात नहीं आती। उसके सिर पर हमेशा खून खराबे का भूत जो सवार रहता है। ऐसी एक सिरफिरी हरकत पाकिस्तान ने तब की थी जब उसने अपने 5,000 सैनिकों के साथ चोरों की तरह घुसपैठ करके कश्मीर के कारगिल क्षेत्र पर अपना कब्जा जमा लिया था। इंडियन आर्मी ने दिलेरी के साथ इस युद्ध को लड़ा और पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारगिल से खदेड़ दिया था। इस युद्ध को कारगिल युद्ध या कारगिल विजय दिवस के नाम से जाना जाता है। तो आइए जानते हैं आज कारगिल युद्ध के बारे में। 8 मई 1999 पाकिस्तान द्वारा नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया गया है। दिखा दिया तो मुझे सोचा यह तो टॉप क्रॉस करके ऊपर मत दिया, सोच के मैं दाएं तरफ ऊपर चढ़ते उसी रास्ते से चक करते करते आया तो वहाँ 6 बंदे नजर आए बंजू टोट में। वो 6 बंदे क्या कर रहा था, बर्फ हट रहा था, पत्थर ढूंढ रहा था, बिल्कुल हरकत कर रहा था। शांत चाहते हैं ये तो दुनिया ने देखा, अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांत की रक्षा के लिए और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है, हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। कारगिल विजय के बाद इस दिन को उस समय के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा विजय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। बात तब की है जब पाकिस्तानी सेना ने कश्मीर के उग्रवादियों के साथ मिलकर भारत और पाकिस्तान के बीच की लाइन ऑफ कंट्रोल को पार कर हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा करना चाहा था। उनके इस दुस्साहस के बाद भारत की सेना ने इसका मुँह तोड़ जवाब दिया और घुसपैठियों को बुरी तरह पराजित करके देश की सीमा से बाहर भगाया था। कारगिल का युद्ध काफ़ी ज़्यादा ऊँचाई पर लड़ा गया था और इसलिए इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों की सेनाओं को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। इस लड़ाई को लेकर पाकिस्तान की तरफ से यह दावा किया गया कि भारत पर कब्जा करने वाले लोग पाकिस्तानी नहीं बल्कि कश्मीरी उग्रवादी हैं। हालांकि लड़ाई के दौरान मिले डॉक्यूमेंट्स तथा कई पाकिस्तानी नेताओं की बयानबाजियों से यह बात साबित हो गई कि कश्मीरी उग्रवादियों के साथ पाकिस्तान की सेना भी इस युद्ध में शामिल थी। इंडियन आर्मी ने इस युद्ध को बहुत ही वीरता के साथ लड़ा था। धोखेबाज पाकिस्तान के खिलाफ इस युद्ध में भारत के लगभग 527 से भी ज़्यादा सैनिक शहीद हो गए थे और 1300 से भी ज़्यादा सैनिक बुरी तरह से जख्मी हुए थे। ये बात है 3 मई 1999 की, जब कारगिल की ऊंची पर्वतमाला पर पशु चराने गए एक चरवाहे के द्वारा इंडियन आर्मी को पाकिस्तानी सेना के घुसपैठ करने और कब्जा जमाने की जानकारी मिली। इंडियन आर्मी की पेट्रोलिंग टीम जब इन बातों की जानकारी लेने के लिए 5 मई को कारगिल पहुंची तो पाकिस्तानी सैनिकों ने उन्हें बंदी बना लिया और उनमें से 5 लोगों की हत्या कर दी। पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा गोलाबारी करने की वजह से 9 मई को कारगिल में मौजूद इंडियन आर्मी का गोला बारूद स्टोर नष्ट हो गया। इसके बाद लद्दाख के एंट्री गेट के पास 10 मई को पाकिस्तानी घुसपैठियों को फिर से देखा गया। तब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के ऑर्डर मिलने के बाद इंडियन एयरफोर्स के MiG-27 और MiG-29 का इस्तेमाल किया। पर इसी दौरान 27 मई को पाकिस्तान ने भारत के फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेत को गिरफ्तार कर बंदी बना लिया और भारत के MiG-27 हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान द्वारा नष्ट कर दिया गया, जिसमें 4 सैनिक शहीद हो गए। 5 जून को पाकिस्तानी रेंजर्स के पास से मिले कागजातों को भारतीय सेना के द्वारा अखबारों के लिए जारी कर दिया गया, जिसमें पाकिस्तानी रेंजर्स के शामिल होने की बात सामने आ गई। इसी के बाद 11 जून को आर्मी चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अजीज खान और परवेज मुशर्रफ की बातचीत की रिकॉर्डिंग जारी की गई, जिससे ये बात साबित हो गई कि इस चोरी से की गई घुसपैठ में पाकिस्तानी सेना भी शामिल है। इस जानकारी के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इधर 15 जून को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने परवेज मुशर्रफ को फोन करके कहा कि वे अपने सैनिकों को कारगिल सेक्टर से हटा लें। दूसरी तरफ भारतीय सैनिकों के द्वारा बाल्टिक क्षेत्र ट्रांस सेक्टर टाइगर हिल्स बटालिक में जुबर हिल्स पर एक के बाद एक कब्जा जमाना जारी रहा। 2 जुलाई 1999 को भारतीय सेना द्वारा कारगिल पर 3 तरफ से हमला बोल दिया गया, जिसके बाद पाकिस्तानी रेंजरों ने बटालिक से भागना शुरू किया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने बिल क्लिंटन से बातचीत की और कहा कि वे अपनी सेना को कारगिल से हटाने के लिए तैयार हैं। 14 जुलाई को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ऑपरेशन विजय के जीत का ऐलान किया। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।